नमस्कार, हेलो हाय, जिसको जो लेना है वो ले ले मेरे भाई। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं डलहौजी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे इंडिया से डलहौजी घूमने के लिए आते हैं, इवन फॉरेन से भी डलहौजी घूमने के लिए आते हैं। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में ही डलहौजी पड़ जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते चलते आ गए हैं हम कांदू और यहाँ हम खाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े। वैसे आजकल यहाँ सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो कहीं कहीं पे सड़कों की हालत थोड़ी सी खराब है, अदरवाइज सब ठीक है। तो भाई चंबा से डलहौजी जाते हुए रास्ते में पड़ जाता है मिनी डॉग गार्डन। हम यहाँ मिनी डॉग गार्डन में एक बार पहले भी जाके वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में दिख जाएगी। यहाँ डक्स जो हैं अपना रेस्ट करने के मूड में आ गई हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल डलहौजी के अपने सफर को करते हैं कंटिन्यू और चलते चलते आ गए हैं हम बनीखेत। मणिखेत से डलहौजी अराउंड 6 to 8 किलोमीटर, हाँ इतना ही है। तो फाइनली हम आ गए हैं डलहौजी के बस स्टैंड में। यहाँ से थोड़ा आगे जाके राइट साइड में हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो ये रही डलहौजी की सुभाष चौक। यहाँ मैं अपना अपर चेंज करूंगा, डलहौजी के लिए मैं एक अलग से लेके आया था। हाँ हमने काफी एंजॉय किया, काफी फोटोज भी ली हैं। अब टाइम आ गया है कुछ खाने का। यहाँ पे ऊपर भी खाली ही है तो ऊपर ही चलते हैं। यहाँ डलहौजी में सेंट फ्रांसिस चर्च भी है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही पुराना है। ये 1894 में बना था। तो इसे देख के लगता नहीं है कि इसे बने हुए 130 साल हो गए हैं। अयान को बहुत ही एक्साइटमेंट होती है चर्च जाने के लिए। पर्सनली मुझे चर्च में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, चर्च के अंदर का माहौल मुझे बहुत ही पसंद है।
यहाँ वर्शिप का टाइम 1 बजे तक था, हम उसके बाद ही पहुँचे हैं, तो अब चलते हैं आगे। तो भाई डलहौजी में 2 तरह की सड़कें फेमस हैं, गर्म सड़क और ठंडी सड़क। तो यहाँ सुभाष चौक से गांधी चौक के लिए गर्म सड़क से होते हुए हम आज पैदल ही जाएंगे, जो कि 2 किलोमीटर के आसपास ही डिस्टेंस है। बस यहाँ पैदल चलने में एक ही प्रॉब्लम है कि हमें अपने सामान को इन बंदरों से बचा के रखना पड़ता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई फाइनली ये गांधी चौक वाली मार्केट स्टार्ट हो गई है। ये रही डलहौजी की गांधी चौक। यहाँ साथ में ही इंडो तिब्बतन मार्केट भी है, थोड़ा सा यहाँ पे जाके देखते हैं, कुछ सामान अगर लेने वाला है तो जरूर ट्राई करते हैं। अब हम निकल आए हैं डलहौजी की ठंडी सड़क की तरफ। भाई ठंडी सड़क तो सच में ठंडी है, यहाँ रास्ते में बर्फ अभी तक जमी हुई है। वो पीछे रही बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। शाम होने वाली है और अभी हमें आगे पंचकुला भी देखना है। ये यहाँ से 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बढ़ता है। यहाँ एक छोटी सी मार्केट है, कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, शायद हम लेट हो गए हैं यहाँ इसे विजिट करने के लिए। चलो अगली बार थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे। डलहौजी में एक बीजीज पार्क भी था, वो हम नहीं आज इस बार देख पाए। शाम होने तक थोड़ी सी थकावट हो गई है, बनगेट में यहाँ हम थोड़ी सी चाय पियेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट सीधा घर जाएंगे। और इस जगह पे दीवार पे थोड़े से फनी, थोड़े से नॉटी टेक्स्ट थे, वो फ्रेम करके दीवार पे लगाए हुए थे, ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। अगर आप भी इस वाले होटल में चाय पी है, आपने अभी रुके हैं यहाँ पे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहाँ पे पहले से आया हुआ है।